दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार का जादूगर बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को सम्मान राशि देने की बात कही थी, लेकिन सरकार बनने के 2 साल बाद भी एक भी महिला को पैसा नहीं दिया गया। दिल्ली में महिलाओं को 1,000 रुपए की सम्मान राशि सितंबर में मिलेगी, लेकिन आज तक किसी भी महिला को 1 रुपया नहीं दिया गया। अरविंद केजरीवाल जवाब दे, पंजाब में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की। और पंजाब चुनाव से पहले आपने वहां पर भी माताओं बहनों को राशि देने की घोषणा की थी। जरा बताएं कि आज तक 1 रुपया किसी के अकाउंट में गया हो? जवाब नहीं आपके पास। सरकारी खजाना खाली होने का रोना रोते हैं आप। अब लोकसभा चुनाव याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में फिर आपने फॉर्म भरवाए थे, तब भी महिलाओं को यह वादा किया था कि 1,000 रुपये हम आपको सितंबर तक दे देंगे। आज तो दिसंबर आ गया, किसी के अकाउंट में 1 रुपये आपने नहीं दिया है। अब जब लोकसभा चुनाव सर पर हैं और आपको दिख रहा है कि सामने आपकी हार आपके सामने मंडरा रही है, तो आपको अब लॉलीपॉप देना है। देश और दिल्ली की जनता सिर्फ मोदी की गारंटी पर भरोसा करती है। बेटियों का, बहनों का, माताओं का सम्मान मोदी की गारंटी पूरा करती है। हमने मध्य प्रदेश में सालों साल करके दिखाया, छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, उड़ीसा में कर रहे हैं, हरियाणा में कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में तो चुनाव से पहले देना शुरू कर दिया था। और आप तो सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं, और वो भी झूठी, कि चुनाव के बाद हम देंगे। अरविंद केजरीवाल, देना था तो लोकसभा चुनाव के बाद देते, जिसका तुमने वादा किया था। सभी बहनों से तुमने फॉर्म भरवाए थे, कहाँ गए वो फॉर्म? और पंजाब में तो 2 साल हो गए आपको चुनाव बने हुए, सरकार बने हुए, आज तक 1 रुपया नहीं दिया आपने। तो दिल्ली की जनता आपके झूठ को, आपके झूठे प्रचार को समझती है, और दिल्ली और देश की जनता सिर्फ एक ही बात पे यकीन करती है, वह है मोदी की गारंटी। नेशन मिरर के लिए दिल्ली से शिवम पांडे की रिपोर्ट।